गाइस वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। नए शो में श्वेता के अपोजिट नजर आएगा ये एक्टर। हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि श्वेता तिवारी जल्द ही कमबैक करने वाली हैं नए डेली सोप के साथ, जो कि जी टीवी पर दस्तक देगा। इस शो के लिए मानव गोहिल और आशीष चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा था, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट ये सामने आई है कि श्वेता के अपोजिट इस नए शो में मानव गोहिल नजर आएंगे। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। अंजलि अरोड़ा का MMS वाली एक सोशल मीडिया पर उड़ रही खिल्ली। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक MMS तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में जो लड़की है वो अंजलि अरोड़ा है। इस मामले को लेकर लोग सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं, जहां कुछ लोग अंजलि अरोड़ा को ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि ये सब अंजलि अरोड़ा को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अभी तक अंजलि ने इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। राजू श्रीवास्तव को आया हार्ट अटैक, ऐसी है तबीयत। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हाल ही में हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार की शाम जब 59 वर्षीय कॉमेडियन जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उस समय ये घटना घटी। आनन फानन में राजू को अस्पताल ले जाया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की टीम ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि वर्कआउट के दौरान राजू सर को माइल्ड हार्ट अटैक आया है, उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया और उनकी तबीयत ठीक है और वो होश में है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। गुम है किसी के प्यार में शो में रिबू मेहरा की एंट्री पर मेकर्स ने लगाई रोक। हाल ही में खबर सामने आई थी कि गुम है किसी के प्यार में शो में लीप के बाद टीवी एक्टर रिबू मेहरा की सीरियल की कहानी में एंट्री होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि मेकर्स ने अब ये फैसला बदल लिया है। शो के आने वाले एपिसोड में रिबू मेहरा की फिलहाल एंट्री नहीं होगी और कुछ वक्त के बाद मेकर्स रिबू की एंट्री शो में करवाएंगे एज अ विलन। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। निशा की हुई लवर रोहित सेठिया की पत्नी से बहसबाजी, करण के आरोप के बाद छिड़ा विवाद। एक्टर करण मेहरा ने आरोप लगाया था कि उनकी वाइफ निशा रावत का अफेयर रोहित साठिया के साथ है। वहीं अब रोहित साठिया की पत्नी निधि लखनऊ से मुंबई आई हैं और निशा रावत से उन्होंने इस अफेयर को लेकर खुलकर बात की है। कहा यह भी जा रहा है कि निशा और निधि के बीच कई घंटों तक बहसबाजी भी होती रही है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक निधि और निशा के बीच काफी विवाद छिड़ा रहा। निधि पति रोहित संग अच्छे खासे रिलेशनशिप में हैं। वो लखनऊ से मुंबई आई सिर्फ और सिर्फ निशा से उनके पति रोहित के अफेयर को लेकर बात करने के लिए। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। 9 घंटे तक भारती सिंह ने स्टेज पर किया परफॉर्म, ऐसा हुआ हार। भारती सिंह और हर्ष लम्बाचे ने अपने YouTube चैनल पर उमंग 2022 के बिहाइंड द सीन्स का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें होस्ट करने की तैयारियों से लेकर फीमेल कॉप से दोनों परिचय करते नजर आए। बीच बीच में दोनों ने कई जिप्स और मीम्स भी डाले हुए थे, जिससे वीडियो में मनोरंजन का एक्स्ट्रा मसाला डाला जा सके। 9 से 10 घंटे काम करने के बाद भारती सिंह थोड़ी थकी हुई भी नजर आई और उन्होंने बताया कि उनके सीधे पैर के शूज की लास्ट टेक उनके पैर में टाइट हो गई थी, जिसके बाद उनका पैर काफी सूज गया, लेकिन कॉमेडियन ने हिम्मत नहीं हारी और भूख तक को नजरअंदाज करते हुए भारती सिंह ने शो को होस्ट किया। टीवी का तड़का, सातवीं रात की टॉप न्यूज। भाभी जी घर पर है कि इस एक्टर की चमकी किस्मत। टीवी जगत के चहेते शो भाभी जी घर पर है में अनोखेलाल सक्सेना का किरदार निभाने वाले एक्टर सानन वर्मा को बड़ा मौका मिला है। सानन जल्द ही कई बॉलीवुड फिल्म्स में नजर आएंगे, जिसमें शशांक कुमार द्वारा निर्देशित एक्टिंग का भूत फिल्म है। इसके बाद वो प्रकाश सैनी की फिल्म 4 लुगाई में पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाएंगे। वहीं इसके बाद निर्देशक मधु भंडारकर के साथ वो 2 विशेष फिल्में साइन करने वाले हैं, जिसमें पहली इंडिया लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी फिल्म का नाम है बबली बाउंसर। इन दोनों फिल्मों के बाद सनानन को एक बहुत ही अनोखी कहानी का हिस्सा बनते देखा जाएगा। इसके अलावा वो फिल्म डरना चू में भी नजर आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सानन के खाते में कई और बॉलीवुड फिल्म्स भी शामिल हैं। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबरें। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्रेजी फॉर टीवी के साथ।